डियर फ्रेंड्स, ड्रीम बिग सो डेट यू कैन रीच हाई। दोस्तों, वास्तव में ये कोट गूगल के प्रेजेंट सीईओ सुंदर पिचई पर लागू होता है। तमिलनाडु के एक साधारण से परिवार में पैदा हुए 12 साल की उम्र में जब उनके पिता ने पहला लैंडलाइन फोन लिया तो उन्हें पता चला कि नंबर्स और टेक्नोलॉजी ही उनका पैशन है। आईआईटी में पढ़ाई करते हुए उन्होंने यूएसए की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप हासिल की। उनके पिता की लगभग एक साल की सैलरी के बराबर टिकट खर्च करके उनके पिता ने सुंदर पिचई को यूएसए भेजा। सुंदर ने यूएसए में एमबीए कंप्लीट करने के बाद 2004 में गूगल कंपनी को एज ऑर्डिनरी वर्कर ज्वाइन किया। दोस्तों, सुंदर के सीईओ ज्वाइन करने के कुछ समय बाद ही माइक्रोसॉफ्ट ने गूगल को बड़ा झटका देते हुए अपना सर्च इंजन बिंग लॉन्च किया, जिससे गूगल को कस्टमर्स का बहुत नुकसान हुआ। अब सुंदर पिचई ने इसके जवाब में गूगल टूल बार डेवलप की और गूगल के कस्टमर्स को वापस रिटेन करवाया। दोस्तों, सुंदर पिचई ने गूगल के डायरेक्टर से कंपनी का खुद का ब्राउजर बनाने की बात की तो उस समय के डायरेक्टर्स ने उसे बहुत खर्चे वाला प्रोजेक्ट बताते हुए मना कर दिया, लेकिन सुंदर पिचई ने हार नहीं मानी और कंपनी के डायरेक्टर्स को अपना क्लियर विजन बताते हुए कन्विंस कर ही लिया। इसके बाद गूगल कंपनी ने अपना खुद का ब्राउजर गूगल क्रोम लॉन्च किया और वो बहुत स्पीड से दुनिया का नंबर वन ब्राउजर बन गया। आज हम सभी भी इंटरनेट के लिए गूगल क्रोम ही यूज करते हैं। इसके बाद कंपनी ने सुंदर पिचई को वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर प्रमोट किया। दोस्तों, सुंदर की काबिलियत को देखते हुए माइक्रोसॉफ्ट और ट्विटर ने सुंदर पिचई को सीईओ की ऑफर दी, लेकिन सुंदर पिचई ने गूगल कंपनी के प्रति अपनी वफादारी कायम रखी और फिर गूगल ने भी उन्हें 2015 में सीईओ अपॉइंट किया और सुंदर पिचई ने पूरी दुनिया में अपनी सफलता के झंडे गाड़ दिए। बहुत बहुत धन्यवाद।